एक कर लो काफी, अब इतने सारे एक ही चीज को करते रहोगे रिकॉर्ड। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, अब आपको जो है वो मैंने रेलेवेंट क्वेश्चन समझा दिया आपको एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। आप डेफिनेटली आप इससे रेलेवेंट कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे तो आपको मजीद जो है वो इससे अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होगी कि किस तरीके से जो है वो आपको जो है वो काम करने के लिए कहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो आपके सामने शो हैं। अच्छा ये जो प्रॉपर्टीज़ आपके सामने शो हैं ये डायरेक्टली मैंने आपको शो कर दी, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं करवाई। ठीक है, तो मैं सेमेस्टर में बिल्कुल भी डेरिवेशन करवाने के हक़ में नहीं हूँ क्योंकि हमारा काम जो है या तो हम उस पर कंपटीशन परफॉर्म करना है या फिर उस मेथड से अंडरस्टैंडिंग है। तो इस वजह से मैंने आपको किसी की भी जो है आपको रिकॉर्डिंग मतलब किसी भी इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ की डेरिवेशन नहीं करवाई। बेसिकली ये आपके पास जो आपके पास जिस तरह इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया है कि मीन इज़ इक्वल टू एन पी। अब यहाँ पे ये बात प्रूफ्ड है कि बाइनोमियल का जब भी मीन आपने कैलकुलेट करना है तो उसमें आपने क्या करना होगा, एन पी, एन का मतलब है नंबर ऑफ ट्रायल और पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा तो इसका मतलब है उसका मीन कैलकुलेट हो जाएगा। सही है, फिर इसका वेरियंस होता है एन पी क्यू, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर स्कोर एन पी क्यू। अब ये सारी चीज़ें डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दी हैं आपको, लेकिन आपको इसकी किसी एक की भी डेरिवेशन परफॉर्म नहीं करवाई कि भाई ये बाज़ाहिर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि इसका मीन एन पी होता है, इसका वेरियंस ये होता है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है। ठीक है, क्योंकि अभी एक तो छोटा सेमेस्टर है और दूसरा ये कि आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टेट्स के नहीं है कि मैं आपको एक एक की डेरिवेशन करवाऊँ। तो इसलिए आपको जो है वो डेरिवेशन ऑब्सोलीट करके डायरेक्टली आपको बता दिया है कि ये आपको याद होना चाहिए कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मीन क्या होता है, और एटलीस्ट इसकी शुरू की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि इट इज़ अ डिस्क्रीट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक डिस्क्रीट टाइप की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एन और दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है पी। तो जब भी याद रखिएगा आपको क्वेश्चन के अंदर इसके दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर को सर्च लाजमी करेंगे, पहला पैरामीटर ट्रायल, एन इज इक्वल्स टू ट्रायल, और दूसरा पैरामीटर है पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो आपने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है हमेशा ये देख लेना है कि आपके पास ये दोनों चीज़ें गिविन हो। फिर आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज जो है बाइनोमियल वेरिएबल की इन्होंने यहाँ पे डिफाइन करके दी हैं। अब ये बेसिकली जो आपके पास गिवन है ना, दैट इज़ कॉल्ड द रिकर्सिव फार्मूला। अब ये रिकर्सिव फार्मूला हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की फिटिंग करते हैं। मतलब ये कि अगर हमारे पास कोई छोटा सा आपके पास बाइनोमियल का डेटा गिवन है और आपको ये बात आइडेंटिफाई करनी है कि आइदर आपका जो बाइनोमियल का फंक्शन है, आपका जो बाइनोमियल का डेटा है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से लाइक करता है कि नहीं, इस बात को चेक करने के लिए ये रिकर्सिव फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये भी आगे जाके समझाऊंगी आपको, तो ये फार्मूले कभी आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है, बाकी एक प्रॉपर्टी आपको बता दी है कि जब भी आप किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी निकालेंगे, किसी भी प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेट करेंगे सी के फार्मूले से, तो वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए। बाकी इसका मीन एन पी होता है, वेरियंस एन पी क्यू होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन एन पी क्यू का अंडर स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसका मीन हमेशा बड़ा होगा इसके वेरिएंस से। और इसके ये फोर मोमेंट्स ऑफ रीजन्स होते हैं, ये सेंट्रल मोमेंट्स होते हैं। खैर मोमेंट्स और सेंट्रल मोमेंट्स ये सब आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, लेकिन इन सब को दोबारा से रिकॉल नहीं करना। लेकिन हाँ, इन सब की एक पर्टिकुलर डेरिवेशन होती है जिससे ये ड्राइव होकर आते हैं। तो मैंने आपको इसकी पर्टिकुलर डेरिवेशन के बारे में मना कर दिया कि मैं इसकी किसी भी डेरिवेशन को नहीं कराऊंगी, आपने जस्ट इसको याद कर लेना ताकि कभी आपसे पूछा जाए कि इम्पॉर्टेंट कम से कम शुरू की पांच प्रॉपर्टीज़ तो आपको याद होनी चाहिए कि भाई एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरियस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उसका रिकर्सिव फार्मूला क्या है और उसके इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं। कम से कम स्टार्टिंग की फाइव प्रॉपर्टी तो आपको हर डिस्ट्रीब्यूशन की पता होनी चाहिए। ठीक है, अब चले इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल देख लें। एक एग्जाम्पल गिवन है, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 24 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4, फाइंड एन एंड पी। अब इन्होंने कहा कि हमने आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन कर दिया है, अब आप हमें बताएं कि एन एन का मतलब है ट्रायल क्या होगा और पी का मतलब है सक्सेस क्या होगी। अब इन्होंने पूछा है कि अभी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे दिया, अब हमें बताएं कि ट्रायल के अंदर ट्रायल और सक्सेस क्या है। तो अब मालूम करना, आपको पता होगा अगर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, तो आप उसको जो है वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद ये आइडेंटिफाई करके बता देंगे कि भाई ये किसके बराबर। तो यहाँ पे देखिए आपके पास, आपने अभी अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि मीन किसके बराबर होता है, एन पी के बराबर होता है। आपने क्या किया, एन पी इज इक्वल्स टू 24, मीन क्या था 24, आपने मीन की जगह पे 24 सब्स्टिट्यूट कर दिया।
सही है। इसी तरीके स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होता रहा है, एनपीक्यू के। आपने स्टैंडर्ड डेविएशन एनपीक्यू की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, फोर सब्सटीट्यूट कर दिया। अब फोर की जगह पे आपने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने इसका क्या करना है, अंडर रूट खत्म करना। तो जाहिर सी बात है अंडर रूट खत्म करने के लिए आपने क्या करनी होगी, स्क्वायरिंग करनी होगी ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए। तो आपने सिंपल स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, फोर का स्क्वायर क्या हो गया 16, और इसका जो है वो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। तो सिंपल एन पी क्यू किसके बराबर हो गया, 16 के बराबर हो गया। अब एन पी किसके बराबर है, एन पी बराबर है 24, इसका मीन किसके बराबर है 24 के। तो अब आपने यहाँ पे सिंपली क्या आइडेंटिफाई कर लिया, अब यहाँ पे आपने क्यू की वैल्यू निकाल ली। क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की क्यू वैल्यू यहाँ पे रखी और ये 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा दिया। सही है, तो 16/24 को फर्दर सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या आ गया, क्यू। क्यू आपके पास जो है वो बेसिकली क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इससे पहले मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, दिस वन, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास एक ये रिलेशन जो है वो पीएमएफ का रिलेशन आपके पास गिवन है जिसमें पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू वन, अगर आपके पास आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चाहिए या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर चाहिए तो आप इस रिलेशन के जरिए फाइंड कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम वाले फॉर्मूले के अंदर मैंने इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकाल ली थी और पी को उधर कर दिया था, लेकिन इस वक्त मेरे पास बोलो पी हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रहेगा और क्यू हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर रहेगा, कांस्टेंट है ओवरऑल द बाइनोमियल कांस्टेंट है ये बात, सही। ठीक है, अब लास्ट टाइम हमने इस रिलेशन से प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकाल लिया था, अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमने निकाल लिया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, लेकिन हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नहीं है। तो सक्सेस करने के लिए हम इसी रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे और इसी रिलेशन से अब हम सक्सेस का फॉर्मूला बनाएंगे। तो अब हमने सक्सेस के लिए क्या किया, पी को इधर रहने दिया और क्यू यहाँ प्लस था, यहाँ पे क्या करवा दिया, माइनस करवा दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ गई। तो पी हमारे पास, क्यू हमारे पास गिवन था, हमने वन में से माइनस करवा दिया 2/3 को, तो हमारे पास ये किसके बराबर आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के बराबर आ गई। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ गई, हमने यहाँ पे आपसे क्या पूछा था, एन पूछा था और पी पूछा था। तो अब आपने क्यू निकाल लिया, क्यू के बिहाफ पे आपने पी कंसिडर कर दिया, इसका मतलब है आपने पी मालूम कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी क्या है 1/3। अब आपको फाइनली एन मालूम करना है। अब एन किस तरह मालूम करेंगे कि एन की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे देखें एन इसके अंदर आ रहा है, यहाँ से आप पैरामीटर मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एन है, ठीक है, अब यहाँ पे आपने सिंपली क्या रखा कि पी की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट हो चुकी है 1/3, आपने 1/3 को रखा, एन की वैल्यू को यहाँ पे लीव किया, ये 3 था डिवाइड हो रहा था, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड करवाया, आपने एन की वैल्यू क्या आ गई 72। तो ये क्या किया कि कभी कभार आपको इनके रिलेशन से आप क्या कर रहे होते हो, फाइंड आउट कर रहे होते हो इसके पैरामीटर। तो ज़्यादा प्रॉपर्टी तो याद नहीं करनी, लेकिन एटलीस्ट 1 से लेके 5 तक की प्रॉपर्टी आपको हर डिस्ट्रीब्यूशन की पता होनी चाहिए, उसका मीन वेरियंस, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका रिकर्सिव फार्मूला, उसकी प्रोबेबिलिटी की टाइप क्या है कि वो डिस्क्रीट टाइप की है, और उसके कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। ये 4 चीज़ें जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 5 चीज़ें आपको हर प्रोबेबिलिटी की, हर डिस्ट्रीब्यूशन की याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें इसके मीन और वेरियंस के, इसके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के जरिए मैंने इसके पैरामीटर भी फाइंड आउट कर लिए। तो समझ आ रही है, कभी कभार ये चीज़ें इस तरीके से भी पूछी जा सकती हैं, तो इसको इस पैरामीटर्स के जाविये से भी ज़रा समझने की कोशिश करें। अब आ जाते हैं दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन पे, दैट इज कॉल्ड द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइनोमियल तो समझ आ गई, अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। अब ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कौन सा डेटा सेट है जिसके ऊपर ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई किया जाता है। तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बेसिकली कौन से डेटा सेट होते हैं जिसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई किए जाते हैं। देखिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेसिकली ऐसी जगह पे अप्लाई किए जाते हैं जहाँ पर आपके पास टाइम इंटरवल आ जाए, टाइम लिमिट इंक्लूड हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ये चेक करना चाह रहे हो द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल रिसीव एट एन ऑफिस इन अ गिवन मिनट। अब आप ये देखना चाह रहे हो 1 मिनट के अंदर आपके पास कितने टेलीफोन कॉल रिसीव हुए हैं आपके ऑफिस में। अब यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली अब आपने क्या करनी है कि मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मालूम करनी है। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मेजर करना, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है कि टाइम का फैक्टर इंक्लूड हो गया। यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, यहाँ पे भी सब कुछ वैसे ही है जैसे बाइनोमियल में था, लेकिन टाइम ड्यूरेशन की लिमिट लगा दी है। अब टाइम ड्यूरेशन में क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये चेक करना है कि भाई मेरे पास
टेलीफोन कॉल कितनी रिसीव हुई हैं ऑफिस के अंदर एक मिनट में. अब क्या है, रिसीव करना क्या है मेरी सक्सेस है, या तो रिसीव होंगी या तो रिसीव नहीं होंगी. तो एक बात तो मुझे कंफर्म पता चल गई, लेकिन अगर कोई एडिशनल फैक्टर अगर इसके अंदर कोई इंक्लूड हुआ है तो वो फैक्टर है आपका टाइम का. टाइम का फैक्टर भी कह सकते हो या फिर रीजन का फैक्टर भी आप इसके अंदर इंक्लूडेड कह सकते हो. मतलब टाइम, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, इस तरीके से फैक्टर्स जो है वो इसके अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे रीजन्स को हम क्या कहते हैं, फिर ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारे पास आ जाए जिसके अंदर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए दी जाए, जिसके अंदर टाइम का फैक्टर मौजूद हो, तो फिर आप क्या करते हो, आप उसमें से मालूम करोगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. अब जैसे वो मैंने आपको हार्ट ऑपरेशन वाली एग्जाम्पल बताई थी, हार्ट ऑपरेशन में आपने क्या करना था, उसके ऑपरेशन के सक्सेस पेशेंट की जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी. अब उसने बता दिया नेक्स्ट चार पेशेंट की प्रोबेबिलिटी बताएं, लेकिन अगर मैंने यही कहा कि मुझे नेक्स्ट चार पेशेंट 10 घंटे में बताएं कि 10 घंटे के अंदर वो कितने पेशेंट की जो है वो सर्जरी कर सकता है सक्सेसफुली. अब मैंने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, वही सेम कॉन्सेप्ट रहा बाइनोमियल वाला, लेकिन जो नई पैरामीटर ऐड हुआ वो पैरामीटर इसके अंदर क्या ऐड हो गया, टाइम का पैरामीटर ऐड हो गया. तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. तो ये पढ़ सकते हैं आप लोग, बिफोर वी स्टडी द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. पॉइजन एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, जो इस फॉलोइंग प्रॉपर्टी को लाई करता है. नंबर वन, द एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस अकरिंग इन अ गिवन टाइम इंटरवल और स्पेसिफाइड रीजन इज नोन. मतलब कोई भी एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस बता दी जाएगी. मतलब पहले आपको नंबर ऑफ सक्सेस बता रहे थे 0.85, भाई 85% हम श्योर हैं कि हमारे हार्ट पेशेंट ऑपरेशन बिल्कुल ठीक होते हैं. लेकिन अब क्या बताया जाएगा कि फॉर सपोज आपसे बात की जाएगी एवरेज की, कि भाई ऑन एवरेज जो है वो मैं कह रही हूँ कि इतने सक्सेसफुली जो, फॉर एग्जांपल ऑन एवरेज की बात कर रही हूँ एक पेट्रोल पम्प की. एक पेट्रोल पम्प के अंदर जो है वो सीएनजी बस जो है वो आपस में फिलिंग करवाने के लिए आती है. एक पेट्रोल पम्प है उसमें हम जो है वो बस की बस में जो है वो सीएनजी फिल करते हैं. तो मैंने कहा कि भाई हमारे पेट्रोल पंप के अंदर जो है वो एक घंटे के अंदर जो है वो कम से कम भी जो है वो 30 बस जो है वो कम से कम भी फिल होती है ऑन एवरेज. ऑन एवरेज जो है वो हमारी 30 बस जो है वो कम से कम ज़रूर आ जाती है. तो अब जो हम सक्सेस की बात करेंगे तो हम ऑन एवरेज में भी बात कर सकते हैं. मतलब कभी ज़रूरी नहीं है कि हमें सक्सेस एक एक के बारे में बताई जाए, हम ऑन एवरेज में भी किसी सक्सेस पर बात कर सकते हैं. द प्रोबेबिलिटी दैट अ सिंगल सक्सेस विल अकर ड्यूरिंग अ शॉर्ट टाइम इंटरवेल इन अ स्मॉल रीजन प्रोपोर्शनली टू द लेंथ ऑफ द टाइम एंड द साइज. यही बात अभी मैं आपको समझा रही थी कि वो डिपेंड करेगा बेसिकली आपके प्लेस पे. अब प्लेस पे किस तरीके से, जैसे मैंने टाइम की बात बताई, इसी तरह अगर प्लेस की बात करूँ कोई जगह की, तो एक एग्जाम्पल इस तरह हो सकती है, द नंबर ऑफ कस्टमर परचेजिंग अ प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ डे. मतलब आपने किसी स्पेसिफिक पर्सन ने जो है वो क्या किया, कस्टमर ने परचेज करा है कोई प्रोडक्ट कोई एक दिन के दरमियान, या फिर नंबर ऑफ एक्सीडेंट एट द फैक्ट्री इन अ डे. कितने एक्सीडेंट हुए आपकी फैक्ट्री में एक दिन के अंदर. तो ऐसे अगर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी आप किसमें फाइंड आउट करते हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए फाइंड आउट करते हो. अब यहाँ पे बाइनोमियल की ही तरह काम करेगा, सब कुछ बाइनोमियल ही की तरह है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या आ गई है अब आपके पास, यहाँ पे अब आपके पास जो है वो ऑन एवरेज बात हो रही है, और तो और उसके अंदर टाइम का भी एक फैक्टर जो है वो इंक्लूड हो गया है. तो इसकी एप्लीकेशन में पॉइजन से रिलेटेड एक और बात भी की जाती है. एक और बात ये की जाती है कि आप ये बिल्कुल बाइनोमियल की तरह ही वर्किंग करती है, लेकिन आप ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जब भी अप्लाई करते हो, जब आपके पास एंड का ट्रायल जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 20 हो जाए. मतलब ये कि कभी आपके पास जिस तरह एंड ट्रायल, अभी हम 1, 2, 3, 4 ट्रायल की बात कर रहे थे ना, अगर आपका कभी एंड ट्रायल मतलब ट्रायल जो है वो ग्रेटर देन 20 चला जाए, तब भी आप क्या मतलब है कि आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, या फिर आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्लोज टू जीरो, मतलब बहुत नैनो माइनट की जो है वो प्रोबेबिलिटी गिविन हो, तो भी आप ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हो. तो ज़रा अप्लाई करके चेक करते हैं. अब यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि पॉइजन एक्स नंबर ऑफ सक्सेस पॉइजन एक्सपेरिमेंट का, उसको पॉइजन रैंडम वेरिएबल कहते हैं. ये बात तो हम रैंडम वेरिएबल के बारे में पहले से ही जान चुके. पॉइजन की, अब ये पॉइजन का पीएमएफ क्या है, पॉइजन का पीएमएफ क्या है, तो पॉइजन का पीएमएफ का फॉर्मूला है दिस वन, एक्सपोनेंशियल ऑफ -m m की पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल.
ये इसका जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, किसका, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। अब यहाँ पे जो एक्स का पैरामीटर है, ये एक्स का पैरामीटर तो क्या है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, जो आपको प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है भाई, किस भी वैल्यू पे आपने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ये तो एक्स वो आ जाएगा। लेकिन ये एम क्या है, एम इज़ द एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस अकरिंग इन अ गिविंग इंटरवल और स्पेसिफाइड रीजन। मैंने आपको बताया था कि ऑन एवरेज भी अगर आप बात कर रहे हो कि ऑन एवरेज कितना सक्सेस अकर हुई, तो वो आप क्या बताओगे, वो आप एम में डिफाइन करोगे। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जो बिल्कुल बाइनोमियल की तरह हो लेकिन उसमें टाइम और एवरेज का पैरामीटर ऐड हो जाए, तो फिर आप वहाँ पे बाइनोमियल को ऑप्ट नहीं करते बल्कि अब वहाँ पे आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर करोगे। समझ आ रही है मेरी बात? अब यही कुछ एप्लीकेशंस गिवन है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी एप्लीकेशन पे जो है वो अप्लाई किया जा सकता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल गिवन है, जिसमें से पहली एग्जाम्पल मैंने आपसे डिस्कस की कॉल रिसीव, फिर दूसरा परचेजिंग प्रोडक्ट, फिर तीसरा जो है वो आपके पास फैक्ट्री डे। और यही बात मैंने आपसे अभी कही भी थी कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैन आल्सो बी अप्रॉक्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ रियर इवन व्हेन द पी इज क्लोज टू जीरो एंड द नंबर ऑफ ट्रायल इज़ वेरी लार्ज। मतलब अगर आपके पास बाइनोमियल के अंदर एन जो है, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 20 हो जाए, तो फिर आप पॉइजन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगाओगे बल्कि आप किसकी तरफ मूव करोगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव करोगे। मतलब वो एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक सर्टेन लिमिट ऑफ एन को ही सपोर्ट करता है। अगर आपका एन इनलार्ज होता जाएगा और पी की प्रोबेबिलिटी नियरेस्ट टू जीरो होती जाएगी, मतलब जीरो के बहुत करीब होती जाएगी, तो फिर आप बाइनोमियल आपके लिए सूटेबल नहीं है यहाँ अप्लाई करना। तो फिर आप क्या अप्लाई करो, आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करो। सही है? तो फिर यहाँ पे जो है वो उसका एक एडवांस वर्जन जो है बेसिकली बाइनोमियल का, वो क्या है, दैट इज कॉल्ड द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब जरा इसकी एग्जांपल देख लो, एग्जांपल से जरा और क्लियर अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको। एग्जांपल में आपके पास क्या गिवन है, द एवरेज नंबर ऑफ कार अकरिंग एट अ सीएनजी स्टेशन इज 2 per minute। अब एवरेज नंबर ऑफ कार इन्होंने बता दी सीएनजी स्टेशन पे 2 मिनट में जो है वो सीएनजी स्टेशन इज 2 per minute, ठीक है, पर मिनट में जो है वो 2 ऑन एवरेज कार आती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मे दैट एनी रैंडम सिलेक्टेड 1 minute टाइम पीरियड, 2 मिनट में पर मिनट में तो 2 आती हैं। अब 1 मिनट के अंदर जो है वो इन्होंने टाइम पीरियड आपसे पूछा है, 4 cars विल अराइव एट द स्टेशन। इसमें देखें x क्या हो गई, x जो आपके पास फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी आपको के व्हाट प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है 4 cars विल अराइव एट द स्टेशन। अब वो 4 cars जो अराइव होगी वो क्या होगी, पर मिनट। तो नंबर ऑफ कार अराइविंग एट द स्टेशन पर मिनट वो किस में आपने रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स में। ऑन एवरेज नंबर ऑफ कार पर मिनट क्या है, 2 cars per minute आती है, मतलब 1 मिनट में आपकी कितनी कार आती हैं, 2 cars आ जाती हैं। ऑन एवरेज जो उन्होंने कहा 1 मिनट में आपकी 2 cars आ जाती हैं, ऑन एवरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने आपसे पूछा कि भाई आप जो है वो हमें क्या बताएं, आप इनको ये बताएं कि पर मिनट के अंदर जो है वो 4 cars विल अराइव होंगे। तो अब आपने एक्स की प्रोबेबिलिटी किसकी मालूम करनी है, 4th car की जो है वो अराइव होने की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। 4 cars की प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है और सिंपल एक्स की वैल्यू पे तो आपने सिंपली क्या सब्सटीट्यूट करना है, सिंपल आपने 4 पे आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, तो एक्स की जगह पे सिंपल आपने 4 सब्सटीट्यूट करना है। यहाँ पे 4 सब्सटीट्यूट करना है और एम की पावर भी 4 सब्सटीट्यूट करना है। और एम क्या सब्सटीट्यूट करना है, एम क्या है आपके पास, एवरेज नंबर ऑफ कार पर मिनट। एवरेज नंबर ऑफ कार पर मिनट क्या है भाई, पर मिनट जो है वो 2 cars per minute आ रही है। सही है, 1 मिनट में कितनी कार आ रही है, 2 cars आ रही है, तो इसका एवरेज क्या है, 2। एक मिनट में दो कार आ रही है, तो इसका मतलब इसका एवरेज ऑफ कार क्या है, 2। तो यहाँ पे आपने जहाँ m माइनस m लिखा हुआ था वहाँ पे आपने 2 सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये -2.2 की पावर 4, 4 divided by 4 factorial। अब ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल आपको सॉल्व करना आता है अपने कीबोर्ड कैलकुलेटर के अंदर जो है वो इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे, फाइनली आपके पास जो है वो 4 की जो है वो अक्रेंस आपको बता देगा। तो यहाँ पे अब आपने देखा कि यहाँ पे भी आपके पास सेम वही सब कुछ था, लेकिन बात क्या थी कि यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन की बात आ गई कि भाई ऑन एवरेज हमारे पास इतनी कार आ रही हैं, तो अब आप ये बताएं कि अब अगर कार आएंगी 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ये इन्होंने जो है यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब इसके लिए भी आपके पास जो है वो कुछ एक और क्वेश्चन गिवन है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया है आपको,
ये क्वेश्चन आप एज अ प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये किस तरीके से सॉल्व करना है. ठीक है, अब एक टाइपिस्ट है जिसमें 3 एरर पर पेज ऑन एवरेज है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी मेक्स नो एरर एंड 5 एरर ऑन द नेक्स्ट शी टाइप. अब एक बार उन्होंने कहा कि कोई एरर नहीं होगा, इसका मतलब है 0 एक्स की प्रोबेबिलिटी. और एक बार क्या बोला कि 5 होगा नेक्स्ट पे. ठीक है, जब वो टाइप करेगी तो 5 एरर आएंगे. सही है. अब यहाँ पे आपको सिंपली इन्होंने बता दिया, एक बार एक्स की प्रोबेबिलिटी 0 पे रख के फाइंड करनी है और एक बार एक्स की प्रोबेबिलिटी 5 पे डाल के आपने फाइंड आउट करनी है. ठीक है, और ऑन एवरेज के इन्होंने बता दिया m इन्होंने क्लियर करके बता दिया कि वो क्या है, m की वैल्यू क्या है, 3 इन्होंने जो है वो एग्जैक्टली बता दिया कि ऑन एवरेज क्या वैल्यू है, 3 है. ठीक है, ऑन एवरेज आपके पास गिवन है और उन्होंने बता दिया कि अब ये बताओ कि नेक्स्ट मतलब टाइम ड्यूरेशन या रीजन आपके पास अकर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अराइव हो रही है. सही है, तो आपको दो टाइप के अंदर उन्होंने दो अलग अलग प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने के लिए पूछ लिया. अब यही बात जो मैंने भी आपको कहा था कि पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जब एन की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाती है तो अब आप बायनोमियल को एब्सोल्यूट करके पॉइजन की तरफ मूव कर लेते हैं. जैसे एन की वैल्यू का मतलब है 200, 500, 100, अगर नंबर ऑफ ट्रायल इस तरह ज़्यादा हो जाए बायनोमियल में तो आप किस तरफ मूव करेंगे, आप बायनोमियल छोड़ के पॉइजन की तरफ मूव करेंगे. तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जब आपको दिखे कि आपकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन, मतलब इन्होंने एक रफ सा अप्रॉक्सीमेट बता दिया कि भाई अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन एन की, मतलब एन ट्रायल जो है वो ग्रेटर देन 20 हो जाता है और आपकी प्रोबेबिलिटी लेस देन इज इक्वल्स टू 0.05 हो जाती है, तब आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई मत करें. आपके लिए वो सक्सेसफुल हो गई, मतलब वो सक्सेसफुल आपको इतना अच्छा आंसर प्रोवाइड नहीं करेगी. तो आप उसके अंदर अपनी लिमिटेशन है, आप मूव कर जाएं किसकी तरफ, पॉइजन की तरफ मूव कर जाएं. ठीक है, तो उसकी अपनी कुछ डिसएडवांटेजेस की वजह से इन्होंने एक रफ अप्रॉक्सीमेशन बता दी कि मतलब एक रूल ऑफ थंब पे, ज़रूरी नहीं है कि यही अप्रॉक्सीमेशन हमेशा इस्तेमाल की जाए, मतलब एक हिरिस्टिक अप्रोच उन्होंने बता दिए कि अगर आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कभी एन ग्रेटर देन टू मतलब 20 हो जाए और पी की वैल्यू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत नैरो हो जाए, तो फिर एक उन्होंने कहा कि एक हिरिस्टिक टाइप की हम बता रहे हैं आपको रूल कि आप फिर जो है वो किसकी तरफ मूव कर जाएं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ के आप पॉइजन की तरफ मूव कर जाइए. सही है, तो यहाँ पे आपने जो है वो बोले जैसे आपने वो कार वाली एग्जांपल समझाई है, तो उसमें हमारा जो पी है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, वो क्या है कार वाली एग्जांपल में? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 4 पे मालूम की है उन्होंने, 4 पे पूछा है, 4 कार विल अराइव एट द स्टेशन, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 4. सही, ठीक. 4 पे उन्होंने पूछा है कि अगर 4 आ जाए एक ऑन एवरेज तो फिर बताएं कि इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी. अभी तो 1 मिनट पे 2 आ रही हैं और अगर 1 मिनट पे 4 आ जाए तो फिर आप बता दें हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी होगी. सही, ठीक है. अब ये इसका एक एक्सेप्शनल केस बता दिया इन्होंने कि भाई आप मिस कर जाएंगे. बोलो. और यहां पे लिखा है np = m is finite, जो थर्ड इसमें पॉइंट है. NP का मतलब है मीन. NP मीन की तो बात. मीन पहले भी तो फाइनाइट नहीं था बाइनोमियल वाले उसमें. हाँ बिल्कुल फाइनाइट था. जिससे पहले आप. हाँ ठीक है. तो NP तो हमेशा फाइनाइट ही हो गया. आप लिख दिया है तो क्या कर सकते हो. उन्होंने बच्चों के दोबारा से या दहानी के लिए लिख दिया. सही, ठीक. ठीक है. अच्छा भाई, अब एक और एग्जांपल आपके पास गिवन है जिसके अंदर एग्जैक्टली 4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए कही है. अब ये आपने एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन रखें, क्योंकि देखिए सारे सवाल मैंने आपको सॉल्व करके आपके सामने जो है वो स्क्रीन पे दे देती हूँ और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो भी डिफाइन कर देती हूँ ताकि आपको जो है वो थोड़ी सी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए. और एग्जाम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए देती हूँ ताकि आपको मेरे लेक्चर से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, थोड़ा आइडिया होगा कि किस तरीके से जो है वो आपने क्या करना है, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ताकि थोड़ा सा आप लोग जो है वो तैयारी भी आपकी साथ साथ होती जाए. ठीक है, इसलिए आपको बीच बीच में प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं कि भाई आप इसे जो है वो सॉल्व करें. अब आपको अगर मैं यही सॉल्व करवाऊंगी तो आप बोलेंगे मिस आप पहले क्लास ले लें, हम आपको सॉल्व करके जो है वो सेंड कर देंगे. तो ये होता है तरीका कि आप लोग जो है वो हैंड टू हैंड नहीं करते. हाँ, क्लास होती तो फिर मैं आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती कि भाई आप इसे परफॉर्म करें. तो ये मैंने लगा दिया है इस पर
प्रैक्टिस क्वेश्चन का मार्क, अब ये आपने प्रैक्टिस करेंगे इसकी। कुछ भी नहीं है बेटा, सामने ही आपको दिख रहा है, सारा डेटा बना के आपको दिया हुआ है। अच्छा अब यहाँ पे आ जाए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे। अब यहाँ पे भी देखिए इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज है। मैंने आपको फिर कहा कि प्रॉपर्टीज आपको कुछ याद करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो पहले आपने इसकी भी कुछ चार पांच प्रॉपर्टीज याद करनी होंगी। तो इसकी पहले देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज आपको याद करने वाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या है कि इट इज़ अ डिस्क्रीट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो हमें पता है कि आज जितनी भी प्रोबेबिलिटी हम पढ़ रहे हैं वो डिस्क्रीट टाइप की ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने डिस्क्रीट के ही बारे में सारा पढ़ा था और मैंने आपको कहा था कि मैं डिस्क्रीट के बारे ही सारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी और उसी से रेलिवेंट स्पेशल कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन भी, स्पेशल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊंगी। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम कंटिन्यूस स्टार्ट करेंगे। तो फिर कंटिन्यूस की अलग प्रोबेबिलिटी होती है, उसमें नॉर्मल, यूनिफॉर्म, गामा, एक्सपोनेंशियल, ये सारे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये कंटिन्यूस टाइप के वेरिएबल के लिए होते हैं। मतलब जिनके रेंडम वेरिएबल कंटिन्यूस नेचर में होंगे तो उनके लिए ये हमारी डिस्क्रीट की प्रोबेबिलिटी नहीं लगेगी, उनके लिए वो कंटिन्यूस की प्रोबेबिलिटी लगेगी। जैसे अभी तक के हम रेंडम वेरिएबल होल नंबर्स के लिए मालूम कर रहे हैं, अभी तक के हमने जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करी उनके ऊपर प्रोबेबिलिटी हमने किसकी अप्लाई करी, हर किसी पे हमने प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट होल नंबर्स पे अप्लाई की है ना, किसी पे भी हमने कंटिन्यूस नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं की। तो इसीलिए जब हम कंटिन्यूस पढ़ेंगे तो फिर कंटिन्यूस को इन डेप्थ देखेंगे। द पैरामीटर ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज एम। अच्छा ये सिर्फ इसका एक पैरामीटर है, जिस तरह बाइनोमियल के दो पैरामीटर थे एन पी। मैंने आपको कहा था हर क्वेश्चन में आपको एन पी गिविन होना चाहिए, इसके इंपॉर्टेंट दो पैरामीटर है जिसपे वो डिस्ट्रीब्यूशन लाई कर रहा है, लेकिन इसका सिर्फ एक पैरामीटर है ऑन एवरेज का। ऑन एवरेज का पैरामीटर क्या है, एम। फिर ऑन एवरेज की बात आ जाती है तो जाहिर सी बात है मीन की बात आ जाती है, एवरेज का मतलब भी मीन होता है, ठीक है? अब यहाँ पे मीन और वेरियंस आपस में बराबर होंगे इसके, ठीक है? मीन और वेरियंस, वहां पे मीन ग्रेटर देन था और वेरियंस छोटा था वहां पे। अब यहाँ पे मीन और वेरियंस की जो भी वैल्यू होगी वो आपस में बराबर आएंगी। तो इसके लिए सिर्फ आप तीन प्रॉपर्टीज भी याद कर लो तो इट्स मोर देन इनफ। बाकी ये इसके मूवमेंट्स, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, मूवमेंट अबाउट सेंट्रल मूवमेंट ओरिजिन के, और इसके जो है वो कोफिशिएंट ऑफ बीटा गिवन है, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तीन पॉइंट्स याद कर लें, तीन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, ये तीन पॉइंट अहम पॉइंट है, ठीक है? अच्छा अब यहाँ पे आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा इन्होंने कि इफ ऑन द एवरेज इज, इफ ऑन द एवरेज 1.5 कस्टमर अराइव पर मिनट एट द कैफेटेरिया। अब इन्होंने बता दिया एक मिनट के अंदर कैफेटेरिया में 1.5 कस्टमर्स आते हैं। सीधी सी बात समझ आ गई, एवरेज की बात हो रही है, इसका मतलब सिंपली हमें क्या अप्लाई करना है, इस पे पॉइजन अप्लाई करना है। फाइंड इट द प्रोबेबिलिटीज, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज। अब इसकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है, एट मोस्ट 4 will arrive in the given minute, at least 3 will arrive during an interval of 2 minute, exactly 15 will arrive during an interval of 6 minute. अब ये तीन तरह की probability इन्होंने बोला कि हमें find करके बताओ। अब ये तीन तरह की probability find करके किस तरह बताओगे, सबसे पहले तो x क्या है, number of customer arrive per minute interval, x क्या है आपके पास, कितने कस्टमर्स आएंगे। तो कस्टमर इन्होंने क्या कहा, पहली मरतबा कम से कम 4 कस्टमर होंगे, दूसरी मरतबा कम से कम 3 होंगे, एटलीस्ट कम से कम 3 तो लाजमी होंगे, और तीसरी मरतबा एग्जैक्टली 15 कस्टमर्स होंगे, सही है? तो x की ये डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज हो गई। m इन्होंने बता दिया ऑन एवरेज क्या है भाई, 15 आएंगे ऑन एवरेज पर मिनट, ठीक है? अब फॉर्मूला आपके पास, ये आपके पास फॉर्मूला गिवन है। अब फॉर्मूला क्या गिवन कर दिया इन्होंने, e की पावर माइनस 1.5, e की पावर माइनस m होती है, तो आपने m की वैल्यू रख दी यहाँ पे। फिर 1.5 की पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। अब x यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करोगे, ये तीन पॉइंट सब्सटीट्यूट करोगे, एट मोस्ट 4, एट लीस्ट 3 और एग्जैक्टली 15 पे आपने क्या करना है, x की तीन डिफरेंट वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है, तीन डिफरेंट वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो सबसे पहले आपके पास केस आया एट मोस्ट का, एट मोस्ट का मतलब है कि ज्यादातर लोग जो है वो क्या आते हैं, 4 ही आते हैं। तो ज्यादातर लोग 4 की बात होगी, तो एटमोस्ट पे आपने क्या किया, ज्यादातर जो है वो आप इसको जो है वो जरा मतलब मीनिंगफुली जिसे जरा समझने की कोशिश करो, इसमें आया हुआ है कि ज्यादातर जो है वो कितने आते, 4 आते, मतलब कि वो क्या कह रहे हैं कि अपना मैक्सिमम पॉइंट उन्होंने बता दिया कि कम अज कम ज्यादातर जो है वो सिर्फ 4 आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। तो इसका मतलब है कि लेस देन की बात हो रही है, मतलब 0 से लेके 4 तक के जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं आप उन सब का सम करोगे,
मतलब उन्होंने अपना मैक्सिमम पॉइंट बता दिया, एटमोस्ट का मतलब होता है अपना मैक्सिमम पॉइंट, कि कम ज्यादातर जो है वो सिर्फ इतने ही आते, इससे ज्यादा नहीं आते, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप क्या करोगे, आप समीशन अप्लाई करोगे जीरो से लेके फोर तक पे, मतलब फर्स्ट टाइम इस फॉर्मूले के अंदर आपने एक्स की वैल्यू जीरो डालनी है, इस फॉर्मूले के अंदर एक्स की वैल्यू जीरो डालो तो आपके पास आएगा जीरो पॉइंट, एक मिनट ये आपके पास ये वैल्यू क्या लिखी हुई है बता देती हूँ, 0.223 आई थिंक यही है, 0.223 समथिंग लिखा हुआ है, सही है। तो उसके बाद जब आपने ज़्यादातर की वैल्यू बात की तो आपके पास क्या है 0.223, जीरो जब सब्सिट्यूट की, फिर वन आपने इस पे इसी एक्स की वैल्यू की जगह पे आपने जब वन सब्सिट्यूट किया, यहाँ पावर पे वन किया और एक्स फैक्टोरियल पे वन किया तो आपके पास आए 0.334। फिर आपने इसी फार्मूले में थ्री टू सब्सिट्यूट किया तो आपके पास आया 0.25110, फिर आपने थ्री सब्सिट्यूट किया, थ्री पर आया 0.1255, और जब आपने फोर सब्सिट्यूट किया इस फार्मूले में तो 0.047। अब आप इन सब का सम कर दो, इन सब का सम कर दोगे तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगी, एटमोस्ट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, कि ज़्यादातर जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो बंद आने की जो है वो ये हो सकती है। तो एटमोस्ट का मतलब जब भी इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब ये है कि आप क्या करोगे कि उसकी इनिशियल से लेके उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक के क्या करोगे, सम करोगे। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या बोली है, दूसरी प्रोबेबिलिटी इन्होंने पेपर में बोलो, पेपर में कैलकुलेटर अलाउ होगा? बिल्कुल होगा, मेरा पेपर है अलाउ होगा, सही है, ठीक है। अच्छा अब दूसरी प्रोबेबिलिटी इन्होंने, दूसरी प्रोबेबिलिटी में क्या बोला है इन्होंने, एटलीस्ट थ्री, कम अज कम थ्री तो आते ही हैं। अब इसका मतलब है जरा इसको मीनिंगफुल पढ़ो, कम अज कम तीन आते हैं और तीन से ज्यादा भी आ सकते हैं, समझ आ रही है थोड़ा सा, कम अज कम तीन आते हैं ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ टू मिनट, टू मिनट पे इन्होंने क्या कहा कि कम अज कम तीन तो आते ही आते हैं। तो बात समझ आ रही है कि ये मिनिमम की बात कर रहे हैं कि कम अज कम तीन आते हैं, उम्मीद है कि इस टू मिनट में और भी आ सकते हैं। इसका मतलब है कि अभी हमें इसकी मिनिमम प्रोबेबिलिटी पता है लेकिन इसकी मैक्सिमम नहीं पता कि मजीद टू मिनट में और कितने लोग आ सकते हैं, समझ आई। तो हमें इससे ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में नहीं पता चला कि मैक्सिमम और कितने लोग इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे फाइंड करोगे, आप इसमें से मैंने आपको बताया था कि जब ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो उसमें से हमेशा क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो वन को, क्योंकि आपको नहीं पता कि फाइनली इसके अंदर मजीद और कितने स्टूडेंट, कितने सक्सेसर आ सकते हैं। कम अज कम तो उन्होंने बता दिया कि दो होंगे, अब ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे ये नहीं पता। तो आप उसे क्या करोगे, ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी में हमेशा उसको क्या करते हो कि उसको वन से माइनस करवा देते हो। तो यहाँ पे भी आपने क्या किया, वन से माइनस करवा दिया, ठीक है, माइनस वन, और उसके बाद आपने क्या लिख दिया, एक्स इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेस देन टू। इसका मतलब है कि एक तो वन से माइनस करवाए और अब टू से जितने भी छोटी प्रोबेबिलिटीज हैं उन सबको सम करवा दे। तो सम करवाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो x की वैल्यू जीरो सब्सिट्यूट करनी है, x की वैल्यू वन सब्सिट्यूट करनी है और x की वैल्यू थ्री सब्सिट्यूट करनी है, सॉरी टू सब्सिट्यूट करनी है। तो जीरो से लेके टू तक के तीनों की तीनों वैल्यू का सम कर देंगे और उसमें से वन से माइनस करवा देंगे तो आपके पास ये ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी। तो जब भी एटलीस्ट और एटमोस्ट का कीवर्ड इस्तेमाल होता है प्रोबेबिलिटी में तो हमेशा से याद रखना कि एटमोस्ट का मतलब होता है कि कम, उन्होंने मैक्सिमम पॉइंट बता दिया, और एटलीस्ट का मतलब बता दिया कि यही मिनिमम पॉइंट है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पे आपके पास ऑन एवरेज बता दिया, फिर तीसरा पॉइंट क्या आता है, एग्जैक्टली 15। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने बता दिया कि अब एग्जैक्टली क्या है भाई, 15 है। तो आपने सिंपली एक्स की वैल्यू डायरेक्टली क्या की, 15 सब्सिट्यूट कर दी। अब आपने ना उन्होंने ग्रेटर देन बताया, ना उन्होंने मिनिमम पॉइंट बताया, ना उन्होंने मैक्सिमम पॉइंट बताया, बल्कि डायरेक्टली क्या किया कि 15 बता दिया। अब आपने 15 डायरेक्टली इस फार्मूले में सब्सिट्यूट किया और आंसर लेकर आ गए। तो इस तरह आप क्या करते हो, प्रोबेबिलिटीज की आपको अगर इस तरीके से प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करने के लिए दी जाएं तो इस तरह आप क्या करते हो, इन फॉर्मूले के अंदर डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करने इन क्वेश्चंस की जो मैंने भी पढ़ाए हैं, इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस मिलेंगे ज़रूर, उनकी भी प्रैक्टिस करना। अच्छा अब आपके पास एक और डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको मैं क्या कह रही हूँ, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, बिफोर वी स्टडी द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, पहला ऐसी कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको आप हाइपर ज्योमेट्रिक कहते हो।
तो हाइपर ज्योमेट्रिक कहने के लिए इन्होंने कहा कि ये पॉइंट का होना जरूरी है, ये चार करेक्टरिस्टिक आपके डिस्ट्रीब्यूशन में होनी जरूरी है. पहली क्या है, द रिजल्ट ऑफ ईच ट्रायल आर क्लासिफाइड टू द टू कैटेगरीज से सक्सेस एंड फेल, मतलब वही बाइनोमियल वाला पॉइंट, वही पॉइजन वाला पॉइंट. फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज एट ईच ट्रायल. अब इसका मतलब है, अब इन्होंने बता दिया कि अब प्रोबेबिलिटी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल कि फर्स्ट टाइम आपने टॉस को अकर किया, आपकी फॉर सपोज अब मैं कहती हूँ कि आपने एक डाइस लिया, डाइस को रोल किया, जब आपने डाइस को रोल किया तो फर्स्ट टाइम 3 आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 3 आई. सेकेंड टाइम रोल किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 5 आ गई. फिर थर्ड टाइम रोल किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 5th आ गई. अब क्या हो रहा है कि हर टाइम पे आपकी प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल पे क्या हो रही है, डिफरेंट होती चली जा रही है. इसका मतलब है कि अब हाइपर ज्योमेट्रिक ऐसे मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी को फेस कर रहा है जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट नहीं रहती हर ट्रायल में, हर ट्रायल के अंदर डिफरेंट प्रोबेबिलिटी आती है सक्सेस की. फिर आपके पास तीसरा क्या है, सक्सेसिव ट्रायल आर इंडिपेंडेंट, सक्सेसिव ट्रायल आर डिपेंडेंट. अब यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि हर ट्रायल जो है वो दूसरे ट्रायल पे डिपेंड कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, जबकि बाइनोमियल में क्या था, इंडिपेंडेंट ट्रायल थे. अब यहाँ पे क्या आ गए, डिपेंडेंट ट्रायल आ गए. द एक्सपेरिमेंट इज रिपीट एंड फिक्स नंबर ऑफ टाइम. अच्छा, ये फिक एंड की वैल्यू जो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी, जिस तरह बाइनोमियल में थी और पॉइजन में थी, तो यहाँ पे भी हाइपर ज्योमेट्रिक में भी कॉन्स्टेंट है. लेकिन इसके ये दो पॉइंट्स डिफरेंट है और दो पॉइंट्स बाइनोमियल की तरह सेम है, बाइनोमियल की तरह सेम है, इसके सक्सेस और फेल वाले सेम है, और इसके एंड फिक्स ट्रायल होंगे, जिस तरह मैंने कहा कॉइन को टॉस करोगे 4 times, 3 times, ये फिक्स हैं. लेकिन इंटरनली दो पॉइंट्स आपके क्या हो गए, चेंज हो गए. एक तो प्रोबेबिलिटी आपकी हर ट्रायल में चेंज हो जाएगी, दूसरा ये कि आपका जितने भी ट्रायल होंगे वो सारे क्या होंगे, आपके सारे के सारे ट्रायल जो है वो सारे क्या होंगे, डिपेंडेंट ट्रायल होंगे. तो अब जरा इसका सीपीएफ सेकंड थर्ड दोबारा बता दें पॉइंट. सेकंड और थर्ड जो है वो बेसिकली आपके पास थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ बाइनोमियल और पॉइजन से थोड़ा सा मुख्तलिफ क्यों है ये. इस ट्रायल के अंदर आपसे कहा गया है कि आपकी जो सक्सेस होगी हर ट्रायल की वो क्या होगी, चेंज होगी. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको एक डाई में दे रही हूँ, एक मतलब डाई दे रही हूँ, उसको कहा मैंने रोल करो, तो जब आपने डाई को रोल किया तो पहली मरतब आपके डाई पे लिखा हुआ आया कि फॉर एग्जाम्पल आपके डाइस पे लिखा हुआ आ गया कि आपने 3 आ गया आपका. फिर दोबारा आपने दोबारा से डाइस को थ्रो किया तो दूसरी मरतबा पे 6 आ गया. फिर आपने तीसरी मरतब आपने ड्रायल को जो है वो रोल किया तो फॉर सपोज 2 आ गया. तो हर बार आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, हर बार रोल करने पे डिफरेंट आ रही है, हर बार ट्रायल पे सेम तो नहीं आ रही, जबकि बाइनोमियल पे हर बार सेम आ रही थी. तो ये और उसमें और हाइपर ज्योमेट्रिक में ये फर्क आ गया. मिस बाइनोमियल में सेम आ सकती है, जरूरी नहीं है यानी. नहीं, बाइनोमियल में लाजमी सेम ही आएगी, ये बात जरूरी है. ये कांस्टेंट है कि बाइनोमियल में हमेशा सेम आएगी. अच्छा, सही में समझिए. ठीक है.